होटल को हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे, कोई और आएगा वो इस्तेमाल करेगा। गाइस हम सुबह सुबह निकल रखे घूमने के लिए, हमारे साथ ये हैं। अब हम ले रहे हैं यहाँ पे दंत मंजन, दे दे भैया दंत मंजन दे दो यार, क्लोजअप दे दो क्लोजअप। ठंड अपनी चरम सीमा पर, आग लगती है। सही है, सब बांस का बना हुआ घर, शौचालय, चारा घर। गाँव देहात के बड़े बड़े शेठ लोगों की दुकान। अब हमने ले लिया अपने मंजन, हाथ पे पानी, अब हम जाएंगे हगने पर, हम दिखाएंगे नहीं। देखा, अब हम घूम रहे हैं क्या नारायणपुर गांव में, सुबह सुबह मूली की खेत, हाथ में बोतल, इन खेतों के कहीं वो बीच बीच में बैठ के आराम से थोड़ा फ्रेश हो जाएंगे। बस हम आ गए हैं साहब, अब पहुंच गए हम खेतों के बीच में, खुले खेत गेहूं से भरे हुए लवालव, इधर भी जहां तक देखो जिसकी शादी में हम आए हैं उसके खेत नहीं है, ये लोगों के खेत है आपस में बटे हुए। तो हेलो गाइस, तो अब बिल्कुल फ्रेश हो चुके हैं, इस बोतल को हम यहीं पे छोड़ के जाएंगे, कोई और आएगा वो इस्तेमाल करेगा। आप कभी आए इस तरफ तो जरूर इस्तेमाल करना, इस पॉइंट पे छोड़ के जा रहे हैं। ठीक है गाइस, मिलते हैं। हाँ हाँ, काफी दूर आ गए थे हम, और अब इसके बाद जा रहे हैं सीधा पांडे घर पे, वहाँ पे आगे की कार्रवाई आपको दी। ब्लॉगो बनाए रहना, बीच में स्किप और कट किया तो देखो फिर पाप लगेगा, हम लगाएंगे पाप। ये हमारे साथ ज्ञानदीप जी, कांगर, ये जी प्रदीप जी, जो है पांडे जी, ये है इनकी शादी, इनकी शादी मार के हम सुबह पहुंचे थे, आराम से नहाया धोया खाया पिया, अब तैयार हो के अब हम तैयार हैं, अब ये हमें शराब पिलाएंगे। ये इनकी गप्पे चलती हुई, अभी दिखाएंगे आपको बाहर के नजारे। अरे हम हैं कौन सी जगह भाई, पहले जगह का नाम तो बता दो यार तुम। ये आपको गोरखपुर जिला महाराजगंज टाउन नारायणपुर। नारायण, नारायण, पोस्ट ऑफिस वाले नारायण जी, पोस्ट ऑफिस भी यही नारायणपुर में ही है। हम जा रहे हैं खेत के बीच से जो दाढ़ी बनवाने सेट करने, ये यहाँ पे गांधी भाई दाढ़ी बना रहे हैं। ये हम आ गए अपनी सेविंग वगैरह करवा के, अब यहाँ से जा रहे हैं हम उनके घर की तरफ, वही दोबारा खेतों के बीच से गुजरते हुए हमारे गांधी भाई सेविंग करा के फटाफट भाग रहे हैं, कहीं इनके हाथों हल्दी न मिस हो। ड्राइवर साहब गांधी भाई, गोरखपुर की गलियों में ये भाई है, ये हम हैं, सब्सक्राइब कीजिएगा भाई ने बोल दिया आपको करना पड़ेगा। तो भाई अभी हम गुजर रहे हैं एक गांव से, कौन सा गांव है भाई, ये बोरिया, बोरिया गांव है, बोरिया गांव है, ये गांव रिस्की गांव के लिस्ट में आता है, यहां पे बच्चे बहुत शरारती होते हैं। ये हम जा रहे हैं गोगली बाजार की ओर। तो गाइस ये मेरा स्कूल है, छोटा मोटा स्कूल, इसके दो पार्ट है, ये प्राइमरी सेक्शन पार्ट है ये वाला, और इंटर कॉलेज, इंटर कॉलेज इसके बगल में है जस्ट। अच्छा, स्कूल का नाम क्या है? ईडी मेमोरियल इंटरमीडिएट कॉलेज। करना ये देख, क्या 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 कर रहे हैं ये, इनको आती नहीं गाड़ी चलानी, इनका पहले लाइसेंस रद्द किया जाए, एक तो बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, इनकी गाड़ी, इनका पहले लाइसेंस रद्द किया जाए, मैं सरकार से दरखास्त करूंगा इनका लाइसेंस पहले रद्द करो भाई, योगी जी से कि आखिर अगले बार अगर ये दिख जाए यूपी में तो सब पकड़ के अंदर डालो। गाइस अब हम पहुंच गए हैं गोगली बाजार,
हम पहुंच गए गोले बाजार, यहाँ पे खाएंगे हम रबड़ी व इमरती। ये है भैया 30 रुपये प्लेट है, आप खाएंगे इसे, आप बताएंगे कैसा होता है। लाजवाब, स्वाद है। भाई आराम से मजे लाते हुए खाते हैं, शाव से खाए जा रहे हैं। ये रबड़ी में डुबाई, ये गई मुंह में, बोलो तारा रारा। अब हम जो है पन्नू भाई के गाने पे बोल रहे थे कि क्रीम पाउडर है ना, इसका जो है नकल बहुत सारे लोग कर चुके हैं, अपने उत्तराखंड वाले ही नहीं, अपने गोरखपुर वाले भी। देख गोरखपुर वाले के हाथ में फोन है। कैसा लग रहा है यार? भाई बहुत बुरा लग रहा है। क्यों लग रहा है भाई तुम्हें बुरा? अब समझ जाओ तुम, हमारे बगल में बैठे हैं भाई साहब, इनसे पूछो क्यों बुरा लग रहा है। हाँ आप अपनी दुख पीड़ा बताएं, कुछ ज्ञान दें इन्हें। ज्ञानदीप जी हमें ज्ञान देंगे। अरे ज्ञान दे दो ज्ञानदीप जी। अरे चेहरा कहाँ छुपा रहे हो तो? ये तो तुरंत कैमरा खोल। अरे जी यार अकेले अकेले खा रहा भाई यार। सब्सक्राइब कर देना। अब हम आपको घर नहीं दिखा पाए थे, अब हम आपको सही से घर दिखा। ये है घर का एंट्रेंस, इधर साथ में ज्ञानदीप भाई। इससे ऊपर ये बन रहा है खाना, ये चारों तरफ का व्यू। हेलो ऊपर आ जा, आ जा भैया, निकालो भाई सोर के, हेलो भाई चल सोने दो। जब हम पहुंच चुके हैं रात्रि भोज के लिए, और ये है हमारा रात्रि भोज, और ये हम सब साथ में रात का भोज कर रहे हैं। ये हमारे साथ प्रदीप बखंडी जी, ज्ञानदीप बखंडी जी और साई। अब रात्रि भोज करते हैं, फिर मिलते हैं आपको तो आपके लिए आधे सेकंड। ज्ञानदीप भाई आलू लेते हुए, ज्ञानदीप भाई ने मना किया। ये देखिए प्रदीप जी ने आलू लिया है। और सर कैसा लग रहा है खाना? स्वाद है सादा। ज्ञानदीप भाई कैसा लग रहा है खाने में? बढ़िया बहुत। लड़ाई ये देखिए इनका इनका मेकअप चल रहा है। अब मैं बना रहा हूँ वीडियो। एक बार हो जा भाई। सो गाइस इस ब्लॉग को करते हैं यहीं पे एंड। अगले वाले ब्लॉग में आपको दिखाई जाएगी पांडे की शादी, क्योंकि आज है 28 तारीख और आज है पांडे की शादी। ये गाइस बने रहिएगा, स्पेशल चीज़ है आपके लिए।
हाँ भाणी कैसा लग रहा है? बिल्कुल मजा आ रहा है।